सभी भक्तों के चरण कमलों में सादर प्रणाम और आज के संध्याकालीन सभा में आप सबका स्वागत है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभागिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभागिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, शोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभागिरिवरधारी, शोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभागिरिवरधारी, जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीशी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील महाविष्णु के स्वयं महाराज गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण प्रभु जी जन्मात जी। अभी आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का जो बहुत ही सुंदर विषय है कि किस तरह से हमें कलयुग को उसको फेस करना है, कैसे हमें उसको डिफीट करना है, उसको पराजित करना है, कलयुग में रहते हुए भी कैसे हम अपने आप को कलयुग के प्रभावों से अपने आप को सुरक्षित रखना है, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे भगवान की कृपा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो विष्णु कृष्ण।
अधिष्ठान भूतले श्रीमती महाविष्णु स्वामी। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो राजकोट मंदिर के प्रेसिडेंट वैष्णव सेवा प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि हम सब लोग इस कोरोना काल में भी भगवान की कथा सुनने के लिए उन्होंने इस तरह से व्यवस्था कर दी है कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग साधु संग साधु संग लय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो अभी देश काल और परिस्थिति इस तरह से बनी हुई है कि हम जो फिजिकल साधु संग है मंदिरों में जाना या सत्संग करना प्रोग्राम्स में जाना वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये अभी वर्चुअल प्रोग्राम्स रखे गए हैं। तो प्रोग्राम चाहे वर्चुअल हो चाहे मतलब साक्षात जाके करते हों लेकिन उसका जो एसेंस है वो श्रवणम और कीर्तनम ही है। तो अगर हमें इस माध्यम से वर्चुअल माध्यम से भी अगर श्रवणम कीर्तनम का लाभ मिल रहा है तो समझिए कि हमें वही चीज मिल रही है जो साक्षात मंदिरों में जाने से मिलती है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ही बहुत अच्छे से इसके ऊपर दो या तीन अध्याय इसमें जोड़े गए हैं। सुखदेव गोस्वामी ने इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा की है कि कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं और कैसे जो जीव है जो भगवान के भक्त हैं या ब्राह्मण लोग हैं कैसे इन प्रभावों से बच सकते हैं और कैसा कैसा समय आएगा, कैसे लोग हो जाएंगे, कैसी परिस्थितियां हो जाएंगी, इसके बारे में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। तो एक श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो जस्ट मैं रिसाइट करूंगा अभी। ये अध्याय 17 से पहले स्कंद के अध्याय 17 से श्लोक नंबर 38। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदः। इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा कि कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों पर रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यावृत्ति तथा पशु वध होते हैं। तो इस तरह से वह सम्राट थे उस समय महाराज परीक्षित पूरे विश्व के, भारतवर्ष के। तो उन्होंने देखा कलयुग के लक्षण प्रारंभ हो गए उनके राज्य में। उनको संदेश मिला कि इस तरह से कलयुग के उनके प्रवेश राज्य में प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही उनको ऐसा संदेश मिलता है कि उनके राज्य में कलयुग प्रवेश कर रहा है, क्योंकि साक्षात जो हम जब सब जानते हैं कि ये जो चार युगों में ये समय बटा हुआ है, त्रेता सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग सबसे पहला युग होता है और उसकी आयु भी सबसे ज्यादा होती है, अवधि सबसे ज्यादा होती है और उसमें सभी लोग प्रायतः धार्मिक होते हैं, भगवान की भक्ति सब जगह पे प्रचुर मात्रा में चलती रहती है। और धीरे धीरे जैसे युग आता है, त्रेता युग आया तो धर्म का थोड़ा पतन होता है, फिर द्वापर युग आया तो और ज्यादा पतन होता है और कलयुग में बिल्कुल मतलब धर्म एकदम ना के बराबर, जब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म नाम मात्र का केवल रह जाएगा, या ये कह लीजिए कि धर्म बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसकी शुरुआत जब कलयुग प्रारंभ हुआ
तब से हो चुकी है। कलयुग प्रारंभ कब हुआ? इस बार कलयुग प्रारंभ जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करके, लीलाएं समाप्त करके जब अपने धाम को लौट गए, तो उसी समय से, उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया। तो उसके बाद में हम कथा पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो पता चलता है कि फिर पांडव लोग समय से अपना सब राजपाट का त्याग कर देते हैं और उसके बाद फिर वो स्वर्गारोहण यात्रा पे निकल जाते हैं और अपना सारा कुछ, जो उनके जो पोते होते हैं युधिष्ठिर महाराज के, अर्जुन के पोते परीक्षित महाराज, उनको राजा नियुक्त करके और फिर वो लोग सब त्याग करके चले जाते हैं। तो महाराज परीक्षित पूरे विश्व के सम्राट थे और उन्होंने धर्म ध्वज का पूरा पालन किया। उन्होंने इस तरह से राज्य किया कि सबका कल, सभी जीवों का कल्याण हो और धर्म बहुत तेजी से प्रगति करे, सब जगह धर्म का वास हो। लेकिन ऐसा तो कलयुग तो था ही, तो कलयुग का आना तो कोई उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि ये भी भगवान की ही मतलब इच्छा है। तो उन्होंने जब देखा कि एक बार जब परीक्षित महाराज दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। तो कलयुग का ये सब लक्षण है। इस लक्षण में क्या बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा कि जो लोग शूद्र हैं या शूद्र से भी नीचे हैं, वो लोग राजा का वेश धारण करेंगे, वो लोग राजपाट में आएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास धीरे धीरे आएगा। और क्या करेंगे वो लोग, जब शूद्रों के हाथ में या उससे भी नीचे के लोगों के हाथ में, चांडालों के हाथ में जब राज्य की शासन व्यवस्था चली जाती है, तो पूरे राज्य का धार्मिक व्यवस्था और लोग तहस नहस होने लग जाते हैं। और सबसे पहले वो क्या करते हैं, गाय तथा बैलों के ऊपर प्रहार करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर प्रहार करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं फिर कि आगे फिर इमीडिएटली उनको पकड़ लेते हैं वो परीक्षित महाराज, जो कली था वो शूद्र के वेश में राजा का वेश धारण करके वहां ये कार्य कर रहा था, तो पकड़ के उसको दंड देते हैं। तो कथा में फिर शौनक महाराज कहते हैं, शौनक, क्योंकि शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में कथा चल रही है, तो वो पूछते हैं कि भाई जब कलयुग को उन्होंने पकड़ ही लिया था साक्षात, तो उसे खाली केवल दंडित क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं दिया? तो उसे मार देते तो फिर कहानी खत्म हो जाती ना, तो फिर कलयुग का और प्रकोप बढ़ता ना उसका ज्यादा जाल फैलता इस पूरे संसार में। तो ऐसा क्यों किया कि केवल उसे पकड़ के छोड़ दिया? तो फिर सूत गोस्वामी उनको समझाते हैं कि महाराज परीक्षित बहुत विद्वान राजा थे और एक अनुभवी राजा थे और एक अनुभवी क्षत्रिय थे। तो वो जो समस्या है, कलयुग का जो प्रभाव है, क्यों हो रहा है, वो उसकी जड़ तक जाना चाहते थे। कलयुग ऐसा नहीं है प्रभु जी माता जी कि कोई व्यक्ति कलयुग से प्रभावित है तो आप उसको मारते चले जाएंगे ना। प्रैक्टिकली एवरीबॉडी इज असुरा। स्वयं स्मृति प्रभु क्लास में कहते हैं कि हम कलयुग के अंदर, जो कलयुग है परिवारों में और साथ साथ हमारे अपने शरीर के अंदर तक प्रवेश कर गया है, तो किसको किसको और कितने लोगों को मारते रहेंगे इस तरह से, तो सबकी हत्या कर देनी पड़ेगी। तो जो उसका जो रूट कॉज है, जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से कलयुग फल फूल रहा है, कलयुग के भाव फल फूल रहे हैं, उस कारण तक जाना जरूरी है। इसलिए कलयुग के भाव को समझना होगा कि क्यों ये फल फूल रहा है। तो जब उसके रूट कॉज में जाएंगे और फिर उसको उसको जड़ से समाप्त करेंगे, तब फिर कलयुग का प्रकोप या प्रभाव समाप्त होगा। तो इसी को समझने के लिए परीक्षित महाराज आगे जाते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग के लक्षण क्या हैं। कलयुग के लक्षण इस प्रकार से हैं कि मुख्यतः ये सब जगह दिखने लगेगा। क्या क्या दिखने लगेगा कि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, उसके बाद मांस भक्षण की लत, फिर कहते हैं मादक द्रव्य सेवन, नशा तथा द्यूत क्रीड़ा में रुचि। तो ये अब सब जगह दिखने लगता है कि हर घर, हर गली, हर गांव, शहर, मोहल्ले का यही है, अवैध स्त्री संबंध, पर स्त्री संबंध।
पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर वाइव्स और विद देयर हस्बैंड्स. इट इज द अफेक्ट ऑफ कलयुग. ये कलयुग का ये बहुत बड़ा प्रकोप कि मन में थोड़ा भी संयम नहीं है, इंद्रियों में संयम नहीं है, मन के अंदर भगवान की जरा से भी चिंतन नहीं है. उसी वजह से क्या होता है कि मन एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है और अपनी इच्छा अनुसार जस्ट गो ऑन, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक नीचे गिर जाते हैं. सो वो कंट्रोल्ड माइंड जो नहीं होता वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा. इसी वजह से पर स्त्री संबंध, और उसके पीछे उसका रीजन क्या है, भोजन मांस मदिरा इस तरह का सेवन आम हो गया है. कहीं भी चले जाइए आप, पार्टीज में, कॉलेजेस के लोगों में, किधर छोटे बच्चे हों बड़े हों, सब लोग धीरे शुरू से ही जन्म से वो लोग मांस अंडा इस तरह का भक्षण करने का की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है. इससे क्या होता है, हमारा जो विकार, इस तरह के जो जो विकार मन में भर जाते हैं, और मन हमेशा दूषित कार्यों में संलग्न रहने की हमेशा चेष्टा करता है, और फिर इंद्रियां उसी तरफ फोकस करती है. और मांस और मदिरा और द्यूत क्रीड़ा में रुचि. द्यूत क्रीड़ा आप देख रहे हैं प्रभु जी की, अभी सब लोगों को कलयुग में क्या है कि जैसे तैसे कैसे भी हमको धन कमाना है, येन केन प्रकारेण, और वो भी कैसे धन कमाना है, जल्दी से जल्दी. बिल्कुल हर कोई इसी का सपना है कि 6 महीने में 3 महीने में कोई करोड़पति बन जाए, कोई मल्टी मिलियनर बन जाए, चाहे वो इस राज्य में हो, उस राज्य में हो, इस देश का हो, उस देश का, किसी देश का हो, सबका लगभग यही स्वभाव है कि जल्दी से जल्दी हमको धनवान बनना है, धनवान बन के ताकि हम ऐश आराम की जिंदगी गुजार सकें. लेकिन ये सब करने के लिए क्या है कि सीधे सीधे तो इस तरह से कोई मेहनत का, अगर कोई पैसा कमाएगा कुछ करेगा तो इतना जल्दी रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता. तो फिर लोग क्या है, गलत रास्ते अपनाते हैं. कोई द्यूत क्रीड़ा का ये इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, कलयुग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कलह का युग है. इन्हीं सब रीजन, इन्हीं सब कारणों से क्या कलह भरा रहता है. मानव समाज में उपर्युक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण है. क्या क्या, फिर से पर स्त्री संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन तथा दूध क्रीड़ा में रुचि. इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संस्था में, बहुत ही सिंपल ये चार रूल रखे हैं कि देखिए, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, अगर आपको धार्मिक बनना है, अगर आपको जो मनुष्य जीवन का जो मुख्य जो जो हमारा जो जो गति है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, और इस संसार में जो कि दुख का मुख्य कारण है, और इस शरीर, ये शरीर जो दुख का मुख्य कारण है, इस शरीर से, इस संसार से मुक्त होना है, मुक्ति होना है. बड़ी मुश्किल से हमें ये मानव जन्म, मानव योनि हमें प्राप्त होती है, बड़ी मुश्किल से. कितनी मुश्किल है इसको इसको समझना बहुत ही टफ है. 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कौन भाग्यवान जीव, बड़ी मुश्किल से हमको ये चांस मिलता है कि मनुष्य जीवन में आते हैं. और उसका एम यही होता है, मनुष्य जीवन में भगवान ने हमें अच्छी बुद्धि दी है और अच्छी बुद्धि दी है, अच्छी व्यवस्था दी है कि सोच समझ सकते हैं. इसका किसके लिए दिया है, ताकि हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सके, हम अपने आप का उत्थान कर सके. और एक चांस दिया है कि ओके, तुमको जो दूसरी योनियां थी उसमें बहुत सारे आपने फल भोगे हैं, बहुत सारे दुख भोगे हैं, दुख योनियां निकल गए. दुख योना है, ये शब्द यूज करते हैं भगवान भगवत गीता में, कहते हैं अब एक मौका है आपके पास, तो कृपया करके भगवान की भक्ति में, मतलब मेरी शरण में आइए. भगवान यही कहते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. भगवान कहते हैं मेरे लिए इसमें डरो मत, जरा भी ना झिझक मत रखो, क्या करो, आप मेरी शरण में आओ. यही भगवत गीता का सारांश है कि जीव को, व्यक्ति को, जिसने मनुष्य में, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उसको भगवान की शरण ग्रहण करनी है. तो भगवान की शरण ग्रहण करना और धार्मिक जीवन व्यतीत करना अगर करना है तो क्या है, जो जो ये चार जो लक्षण है, जहाँ पाप रहते हैं, साक्षात कली रहता है, कली का वास है, उन सब का त्याग करना पड़ता है. तो प्रभुपाद जी ने बड़ा हमको काइंडली ये रिक्वेस्ट किया है सभी अपने शिष्यों से या ग्रैंड डिसाइपल सभी से कि फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. कितने शास्त्रों का गहन अध्ययन करके
प्रभुपाद जी ने ये चार नियम बनाए हैं कि हमको ये चार नियम पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए पूरी तरह से, और कभी भी मतलब इसका मतलब नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि मुख्य कारण है, महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य में कुछ लोग पहले से ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं, अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाए। ये होते हैं राजा, ये सम्राट होते हैं। राजा कैसे होते हैं? प्रजापालक राजा होते हैं। तो अभी क्या सारी व्यवस्था कलयुग में टूट गई है कि इस तरह के प्रजापालक अब ना तो सम्राट बचे हैं ना राजा बचे हैं। किस तरह के राजा आ गए हैं, शासक कैसे आ गए हैं? शूद्र लोग राजा का वेश बना के, उस तरह का ड्रेसेस पहन के और एकदम मुख्य मुख्य पदों पे तैनात हो गए हैं, उन पदों को छीन लिया है और सारे लोगों को मतलब वो परेशान करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महाराज परीक्षित के राज्य काल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण एक तरह से अज्ञात थे, और ज्यों ही उनको पता चला त्यों ही उन्होंने उसे समूल नष्ट करने का ठान लिया। अब कई लोग कहते हैं कि ओके कलयुग है तो ये तो लक्षण आएंगे। भाई कलयुग है, लक्षण आएंगे, नो डाउट। तो आएंगे तो इसका मतलब ये क्या है कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें, कुछ ना करें, अपना बचाव ना करें उसका? ये कोई तर्क नहीं है। ऐसा नहीं होता कि फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ा मतलब हमको कुछ करना नहीं होता। वी हैव टू फाइट ए वॉर अगेंस्ट इट। महाराज कहते थे कि द होल एटमोसफेयर इज सरचार्ज्ड विद यू नो फेथलेसनेस। पूरा का पूरा जो सामाजिक वातावरण है वो दूषित हो गया है। कैसा दूषित हो गया है कि भगवान के प्रति श्रद्धा से हमको दूसरी ओर मोड़ता है, उधर जाने ही नहीं देता है। तो इस युद्ध में हमको लड़ना है, उसको मतलब हथियार नहीं डाल देने। क्षत्रिय का मतलब ये होता है कि युद्ध का उसे अगर मौका मिले तो वो युद्ध में अपनी पीठ ना दिखाए, अविलंब मतलब युद्ध में या तो वो मरेगा या वो दूसरी पार्टी को मार देगा। ये क्षत्रिय का मुख्य लक्षण होता है। प्रभुपाद जब कृष्ण भगवान जब क्षत्रिय के बारे में बताते हैं भगवद गीता में तो कहते हैं कि युद्धे च न अपलायन। युद्ध में अपलायन मतलब पीठ दिखा के भागना, ये क्षत्रिय का लक्षण नहीं है। शौर्य और भगवान के प्रति ना पूरी श्रद्धा, ये सारी चीजें क्षत्रियों के लक्षण होते हैं। तो ऐसा अवसर परीक्षित महाराज को जब मिला उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब इसको समूल इसका नष्ट करना था। ऐसे जो तर्क कई बार हैं लोग आलसी लोग देते हैं कि क्या है कलयुग तो है प्रभु जी, हम क्या कर सकते हैं क्या उसको? तो प्रभुपाद जी ने वहां फिर एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से वर्षा ऋतु में जब बरसात का मौसम आता है तो वर्षा अवश्यम भावी है, हर जगह बारिश का पानी आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बारिश के पानी से बचने का अपना व्यवस्था ना करें, अपने उपाय ना करें। सो वी हैव टू डू समथिंग। फिर लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं जब वर्षा होती है। तो इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपर्युक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यम भावी है। कि उपर्युक्त लक्षण जो चार लक्षण प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं या इसमें तो क्यों आएंगे या दिखेंगे आपको आसपास, लेकिन उससे अपना बचाव हमें करना है, उससे बचाव करना है। लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाह रहे थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे कि वह ठीक, और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अभी तो प्रभु जी हमारी और बदकिस्मती है कि इस तरह के राजा अब नहीं है इस संसार में। कलयुग का प्रभाव प्रकोप धीरे धीरे और बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव और प्रकोप बढ़ रहा है तो भी हमारे पास अभी भी अच्छे अच्छे साधन मौजूद हैं। जैसे प्रभुपाद जी की शरण हमें मौजूद है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जो कि प्रायतः लुप्त हो गई थी। अभी प्रभुपाद जी से पहले जो भागवतम या भगवद गीता जो मिलती थी अवेलेबल थी उसमें उसका भाव और उसको नहीं दिखता था, मतलब हमको प्रॉपर उसका मीनिंग नहीं समझ में आता था। इसीलिए जो भी भगवद गीता अवेलेबल थी प्रभुपाद जी ने लिखा था कि इट वॉज यू नो नॉट प्रॉपरली ट्रांसलेटेड। सो दैट्स वाई वी हैव गिवन दिस बुक, वी ब्रॉट दिस बुक विच इज कॉल्ड
भगवत गीता एज इट इज, जैसा भगवत गीता भगवान ने समझाया बताया अर्जुन को, वही भाव, वही शब्द, वही वर्ड टू वर्ड एक एक संस्कृत के शब्द प्रभुपाद जी लेके आए हमारे सामने। ये बड़ी हम लोगों की खुशकिस्मती है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आए हैं जब प्रभुपाद जी ने जस्ट मतलब सारी चीजों की व्यवस्था हमारे लिए कर दी है। विश्व में हर कोने कोने में, हर शहर हर गांव में लगभग हरे कृष्ण मूवमेंट का सेंटर स्थापित कर दिया है। तो ये सब हमारे भाग्य है। तो हम लोग बैठ हाथ पर हाथ धर के खाली कलयुग को दोष नहीं दे सकते हैं कि अब तो कलयुग है, क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इस तरह से हमें क्या है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, कलयुग के खिलाफ। तो आगे चलते हैं, तो और क्या क्या लक्षण है कि जब 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 परीक्षित महाराज ने शुरू में जब देखा था कि धरती माता जिसने गाय का रूप ले रखा था, और धर्म धर्म साक्षात क्या है, उन्होंने बैल का रूप ले रखा था, उन्होंने कलयुग को क्या देखा, ये जो जो कलयुग है उसने कली पुरुष के रूप में अपना वो ले रखा था भाव, और वो बैल को और गायों को के पैरों पे प्रहार कर रहा था। बैल बेचारा ऑलरेडी उसके तीन पैर टूट चुके हैं और बड़ी मुश्किल से वो एक पैर पे खड़ा उसे घसीट रहा था। क्या देखा उन्होंने उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो, मानो उनका कोई स्वामी न हो। तो कलयुग का एक और लक्षण क्या रहेगा प्रभु जी, की गायों और बैलों का कोई स्वामी नहीं रहेगा। सब लोग गाय का दूध तो पीना चाहते हैं, नो मलाई खाना चाहते हैं, आइसक्रीम, नो चीज क्रीम, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें ही गाय के दूध से ही बनती है, अच्छी अच्छी चीजें, वो सारी चीजों का लेना है। लेकिन जैसे ही गाय जैसे दूध देना कम कर देती है, बंद कर देती है, या कई बार तो दूध निकाल के फिर छोड़ देते हैं, दिन में जाओ तुम अपना कहीं से खा पी के आओ, फिर शाम को उसका दूध निकालते हैं। तो क्या यहाँ पे शास्त्र में लिखा है यहाँ पे कि मानो उनका कोई स्वामी ना हो। बैलों और गायों की दशा, दुर्दशा या उनका उनका क्या बोलते हैं शोषण इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, लोग उनकी उनकी रक्षा नहीं करते हैं। जबकि कृष्ण भगवान ने साक्षात जब वैश्य धर्म समझाया है तो उन्होंने बोला कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य वैश्य कर्म स्वभाव, कि कृषि और गोरक्षा ये दोनों चीजें वैश्य का धर्म है, वैश्य का धर्म है, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में एक बार एक जगह और कहा गया कि जो स्वाभाविक धर्म है स्वधर्मो ना, उसको स्वधर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है इससे। अपने धर्म को छोड़ के कहीं और जा रहे हो, किसी और चीज में व्यस्त हो गए हैं, तो देट इज सिंफुल और उसका बराबर उसको पाप लगेगा। तो कलयुग का मुख्य लक्षण जैसे कि निम्न जाति का शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे, ये एक लक्षण है। और ये लोग करेंगे क्या, ऐसे अक्षत्रिय शासकों का मुख्य व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को विशेषतः गायों तथा बैलों की जान से मारना। जो अपने स्वामियों अर्थात प्रमाणिक वैश्यों द्वारा असुरक्षित होंगे, मतलब छोड़ दी जाएंगी, उनके जो नेचुरल जो उनके जो ओनर्स हैं वो छोड़ देते हैं। बैलों को तो खासकर बछड़ा छोटा ही होता है, घर से निकाल देते हैं, कसाई खाने में चला जाता है बेचारा। तो कलयुग में पतित वैश्य क्या करेंगे, क्या लिखा, कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। This is the effect of कलयुग। हम जब तक कलयुग के प्रभावों को समझेंगे नहीं तब तक हम कैसे कलयुग को डिफीट कर सकते हैं, इसलिए उसको समझना जरूरी है। और दूसरा लक्षण क्या है कलयुग का, दूसरा लक्षण है कि धर्म के नियमों पर जो श्वेत कमल के समान निष्कलंक तथा श्वेत है। धर्म कैसा है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म श्वेत कमल जैसे व्हाइट लोटस होता है
उसकी तरह से निष्कलंक है, एक भी दाग नहीं है। शास्त्रों में, गीता में, पुराणों में एक भी कहीं कोई दाग नहीं, निष्कलंक है। लेकिन इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। ओ, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। धार्मिक और धर्म, हटाओ इसको यहां से। तो सारे के सारे जो अभी मॉडर्न जो किंग्स हैं या रूलर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स जो भी हैं, पहला अटैक कहाँ करते हैं? ओके, रिमूव दिस धर्म। मंदिर में घंटे बजाना, तिलक लगाना क्यों करते हैं लोग? दे आर द मेन कल्प्रिट मैन। उनकी वजह से ही ये संसार चल रहा है, कृष्ण की कृपा हो रही है थोड़ी बहुत, उसी को ही हटाने में लगे हुए हैं। तो धर्म कलयुग का दूसरा लक्षण ये है। तो धर्म जैसे क्या कर रहा था वो कली, बैल श्वेत कमल के समान सफेद था। क्या लिखा है? वृषम मृणाल धवलम। धवल जो शब्द है वो सफेद, उजले शब्द, उजले रंग का प्रतीकात्मक है कि जो बैल था बिल्कुल व्हाइट लोटस की तरह उसका 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 रंग रूप था। मेहंतम इव विभ्यतम। मेहंतम मीन्स बेचारा डर के मारे पीछे वो पेशाब कर रहा था, इतना उसको मार रहा था शूद्र उसको भी डर के मारे उसका पेशाब निकल रहा था। वेपमानम पदय केनम। एक पैर पर जैसे तैसे कांपता हुआ वो खड़ा था। तो प्रभु जी माता जी, आज की दशा में कलयुग में धीरे धीरे धर्म की ये दशा हो जाएगी। धर्म एकदम बेचारा एक पैर से बड़ी मुश्किल से कांपता हुआ खड़ा है। पीपल आर जस्ट फॉरगेटिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स। अपने धार्मिक जो 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 हमारा जो ड्यूटीज हैं, कर्म हैं, वो सारे भूल गए। सवेरे से लेके शाम तक, फिर रात को, फिर सवेरे, एक ही काम में लगे हुए, किधर पैसा है, किधर पैसा है, किधर हाय धन, हाय धन। और उसको करना क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये फिर और इसी में ही मोहित रह जाते हैं सब। एक इतना वह इतना डरा हुआ था कि एक पैर पे खड़ा कांप रहा था और पेशाब कर रहा था। तो राज्य को अब ये लक्षण है, लक्षण राज्य में क्या करेंगे लोग, जो राजा लोग हैं आजकल कलयुग के, राज्य को धर्म निरपेक्षित घोषित कर दिया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। इस सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने और भारतीय लोगों ने कितना कितना बड़ा योगदान दिया है, अपनी जानें न्यौछावर कर दी। और अब के हम अभी इस जनरेशन में उन सब सारी चीजों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं। अगर आपको उपेक्षा देखनी है साक्षात प्रभु जी महाराज, तो आप देख सकते हैं बाहर किस तरह से उपेक्षा हो रही है। जो महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े मराठा जो लीडर्स थे, जो क्षत्रिय थे, जिन्होंने धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, आप उनकी अभी समाधियों पे जाके देखें कहीं किस जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ जो आतताई लोग थे, भारत के ऊपर आक्रमण करते थे, उनके जाके उन पे देखो, शाहजहां का या किसी का। सो किस लिए हो रहा है? हमारे अपने टैक्स पेयर्स के पैसों से ये सारी चीजें होती जा रही है। सो ये सब श्रीमद् भागवतम में पहले से ही लिखा हुआ है कि इस तरह से चीजें करेंगे, धर्म को धर्म, राज्य को धर्म निरपेक्ष घोषित करके फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल सूचित करता है कि धर्म का नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं और धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी भी समय कांप कर गिरने वाला है। ऐसा कभी भी हो सकता है कि वो लड़खड़ाता हुआ एक पैर भी कभी भी टूट जाएगा और देर इज नो रिलीजन लेफ्ट व्हाटसोएवर। ये समय कलयुग में धीरे धीरे आने ही वाला है। और फिर कहते हैं, यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है। गायों के दूध से धर्म की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र में वर्णन है इसका। किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई है। दीन मतलब शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी, काउ इज नॉट एट ऑल फोर्सफुली द मिल्क इज टेकन अवे फ्रॉम हर। और जो मतलब उसके बछड़े को भी थोड़ा मिलना चाहिए, उसके बछड़े को जो होता है उसको जन्म लेते ही बेचारे को हटा दिया जाता है। और
फिर उसको कसाई घर में भेज देते हैं या फिर आई डोंट नो व्हाट दे डू। और किंतु वह दीन और बछड़े से रहित हो गई है, उसके पांव पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू थे और वह अत्यंत दुखी और कमजोर थी, वह खेत में थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ काउज एंड बैल, जो धर्म और धरती के प्रतीक। इस दशा में परीक्षित महाराज ने उनको देखा और वो एकदम से वहां पहुंच जाते हैं। धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उसके मतलब शूद्र से मेघ समान गर्जना करने वाले गंभीर वाणी में बोले, एकदम सामने पहुंच गए। तो ये ड्यूटी है हर किसी धार्मिक व्यक्ति का कि कोई भी ऐसे अधार्मिक कार्य होते हैं या कोई किसी को मतलब प्रताड़ित करता है तो उसके सामने खड़े होके हमको उसको रोकना चाहिए इन वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन, वॉट एवर कैपेसिटी वी कैन। कहते हैं कि अरे तुम कौन हो और तुम बलि प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरी शरण में है। ये महाराज परीक्षित कर रहे हैं कि इस राज्य में केवल नो मनुष्य लोग ही केवल नो प्रजा नहीं है, बल्कि उस राज्य के पशु पक्षी ये सारे राज्य की प्रजा हैं। उनको भी परीक्षित महाराज समझते थे कि ये मेरी शरण में। लेकिन आज की डेट में प्रभु जी जानवरों को तो कोई कुछ समझता ही नहीं, एज इफ उनका कोई अधिकार नहीं है, उनको जीने का कोई हक नहीं है। तो कहीं भी उनको धुतकार दिया जाता है। किसी भी जानवर को देख लीजिए प्रभु जी आज की डेट में, हम लोग मैक्सिमम उसका खाली फायदा उठाते हैं और फिर उसको धुतकार देते हैं, भोजन नहीं देते हैं। कितने कितने दिनों से कई गलियों में बेचारे कुत्ते बिल्लियां या अदर को बहुत सारे बैल गाय वगैरह भी ऐसे घूमते रहते हैं, उनके आंखों से आंसू झरझर गिरते रहते हैं, कितने समय भूखे रहते हैं वो लोग। कोई जो व्यवस्था जो प्रकृति ने दी है उस सारी व्यवस्थाओं पे मानव समाज ने क्या है अपना कब्जा जमा लिया है, हर जगह बाउंड्री फेंसिंग करके वहां से हटा देते हैं बाकी पशुओं को या कुत्तों को या जो भी है तो वानरों को। तो ये जो व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है प्रकृति के सभी जीवों के लिए, सभी जीवों का अधिकार है, जीने का अधिकार है, हवा पानी भोजन इन सब की प्राप्ति के लिए भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी, लेकिन हम वो सारी व्यवस्थाएं तोड़ते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के जो पाप पाप का कार्य है उसका कितना भयंकर प्रतिफल हो। हमको भगवान ने आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास, कि हमको जब हम जब माता के गर्भ में पड़े पड़े परेशान हो रहे थे एकदम दुख के मारे नो, तब हम भगवान से प्रे करते हैं कि हे कृष्णा आप कृपा करके मुझे इस नरक से निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पे, कब मुझे निकालो। और जैसे हम बाहर निकलते थे निकले और भूल गए अपनी परिस्थिति को, यहाँ फिर भोग भोगने की चीजों में व्यस्त हो गए चीजों को देखते हुए, फिर अपना जो मेन एम था उधर भूल गए, और भूले तो भूले उसके अलावा ऐसे कार्यों में संलग्न होने लग गए जो कि फिर से हमें उस दुख योनि में हमको भेज देगी। इसीलिए क्या है कि कलयुग में इस तरह से कार्य आगे पीछे होते रहेंगे, फिर भी उसका क्या है हमको उसको रोकने के लिए जरूर आवाज उठानी चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए वहां पे। कहते हैं अरे मूर्ख क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन नहीं रहे, चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो अतः तुम अपराधी हो और वध किए जाने योग्य। एकांत स्थान में मार रहे हो, खुल्लम खुला नहीं करते प्रभु जी। लोग क्या करते हैं एक अलग एकांत स्थान में गायों को बैलों को मारते हैं ताकि लोगों की नजरों से ना दूर हो जाए, और सारा का सारा नो दे बहुत क्रूर व्यवस्था से इस तरह से मतलब ऑटोमेटेड सिस्टम बना देते हैं कि जीवों की हत्या की जाती है वहां पे कलयुग के अंदर। तो ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज क्या कि तुम इतने दुस्साहस के साथ ये कार्य कर रहे हो ये सोच के कि अब कृष्ण नहीं रहे या अर्जुन नहीं रहे। अरे भाई उनका उनके वंश के लोग तो हैं, उसी तरह से हमें भय भी नहीं होना चाहिए, भय रहित होकर भगवान कृष्ण के संदेश का प्रचार करना चाहिए। एवरीबॉडी अभी जैसे प्रभुपाद जी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो
उनके शिष्य नहीं रहे इस दुनिया में। तो जिस तरह से नो लायन गुरु की तरफ फियरलेस प्रीचिंग प्रभुपाद जी या उनके गुरु जी करते थे हर जगह जाके, उसी तरह से अभी उनके शिष्यों का या जो ग्रैंड डिसाइपल्स उनका यही कर्तव्य है, यही आदेश अपने हृदय में हमेशा बसाए रखना है, जलाए रखना है कि हमको भगवान कृष्ण का जो 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 धार्मिक उपदेश भगवान ने दिए हमें, लोगों को धर्म के रास्ते पे लाना, जो अधर्म हो रहा है उसको रोकना, ये हमारा मुख्य कारण है। ये अब हो कैसे सकता है, कलयुग में कैसे पॉसिबल है, कलयुग को किस तरह से जीता जा सकता है? तो उसका सही सटीक फॉर्मूला हमारे गुरुजनों ने हमें दिया है कि भगवान के नाम का जप यज्ञ करवाना, लोगों से भगवान के नाम का जप कराना, और उन जो जो कलयुग के जो लक्षण है उन उन जो प्रभाव जहाँ प्रभावित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से लोगों को हटाना है। मतलब जो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए लोगों को रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज फॉलो दिस रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। मांस भक्षण का त्याग कीजिए, पर स्त्री गमन का त्याग कीजिए, मदिरा पालन मदिरा सेवन का त्याग कीजिए, और जो धार्मिक दृष्टि से उचित है उस कार्य को ही कीजिए। धार्मिक दृष्टि से उचित है अपना भरण पोषण के लिए उन उन कार्यों को कीजिए, ये नहीं कि जुआ खेलने चले गए और फिर द्यूत क्रीड़ा में चले गए। इन सब चीजों से क्या है, गलत रास्ते पे हम लोग जैसे जैसे जाते हैं, जाते जाते क्या हम और आगे बढ़ते जाते हैं और हम पतन के रास्ते पे और आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस चीज से जब तक रोकेंगे नहीं और तब तक फिर क्या है, इसका कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं। उसी तरह से है जैसे आप एक तरफ पानी में पानी से बाल्टी भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप आपके छेद हो रखे हैं बाल्टी के अंदर नीचे, तो जितना भी पानी भरेंगे धीरे धीरे उन छेदों से पानी बह जाएगा। कि आपका जितना भी सत्कर्म आप इकट्ठा करेंगे वो सारे के सारे सत्कर्म या भक्ति का जो प्रभाव है वो अगर आपने ये नियमों का पालन नहीं किया, अपने छिद्रों को बंद नहीं किया, तो उन छिद्रों के माध्यम से वो सारा निकल जाएगा और फिर आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हो पाती। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने बैल से पूछा, महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो, तुम श्वेत कमल जैसे श्वेत बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने तीन पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो, क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह से क्लेश पहुंचा रहे हो? वो पूछ रहे थे कि इतना सुंदर जीव है उनका रंग रूप था कि आप जरूर कोई देवता हैं। तो वास्तविक में देवता थे ही वो, धर्मराज स्वयं उन्होंने बैल का रूप धारण किया था वहां पे, उन्होंने स्वयं धर्म बैल का रूप धारण किया था और वो खड़े थे एक पैर पे, बेचारे डर रहे थे, कपकपा रहे थे। तो ये धर्म की दशा है प्रभु जी। फिर पूछते हैं कि कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में मैं आज पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं गिराए। तो ऐसे सम्राट थे हमारे परीक्षित महाराज। इस व्यवस्था को ही स्थापित करने के लिए कृष्ण आए थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्। कि उस धर्म जो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म को पूर्ण पुनर्स्थापित करने के लिए सृजामि अहम्, मैं बार बार आता हूँ, आता ही रहता हूँ, ये कहते हैं। तो वहां पे कह रहे हैं कि इस तरह के वो राजा थे कि कभी भी जो गायों और बैलों के आंखों में आंसू नहीं गिरते आते थे कुछ। और अब की दशा देखिए, हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बना ली है कि प्रकृति से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। इवन जो जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं वो लोग भी अपना खेती बाड़ी का धंधा धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, बंद करके पता नहीं कहाँ शूद्रों का काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और ये चीज उनको खराब लगती है। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो समझ चुके हैं, आप देखेंगे दे आर अगेन रिटर्निंग बैक टू नेचर। तो नहीं नहीं नहीं, इस तरह से फैक्ट्री में काम करने का कोई फायदा नहीं है, हमारा खाली पतन होता है, और ऑफिस का स्ट्रेस वर्क से भी कुछ फायदा नहीं है, ज्यादा पैसे कमाने से भी कोई फायदा नहीं है। कहते हैं कि हमको सिंपल लाइफ चाहिए, हमको नेचुरल लाइफ चाहिए, अच्छा भोजन हमें चाहिए। तो जब हम खेती बाड़ी छोड़ देंगे, कृषि को छोड़ देंगे, गोरक्षा को छोड़ देंगे, तो अच्छा भोजन कहाँ से मिलेगा हमको? सब फिर वो सिंथेटिक केमिकल युक्त ही भोजन मिलेगा, उससे फिर 50 तरह की बीमारियां आती है। तो जो चीज भगवान कृष्ण ने बोला है, जैसी व्यवस्था भगवान ने बनाई है प्रकृति के माध्यम से,
हमको उसी व्यवस्था को पालन करने में ही हमारा ही लाभ है, और हम उसको अगर तोड़ते हैं नो काम की इच्छा की वजह से, पैसे कमाने की वजह से, या जो भी है, थोड़ा हमें ये मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन हमें इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए इस तरह के रास्ते का। तो वो कहते हैं कि अब तुम शोक मत करो हे सुरभि पुत्र, अब तुम शोक मत करो, तुम्हें इस निम्न जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गोमाता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण होगा। और इस तरह से वो उनसे बोलते हैं। तब वो परीक्षित महाराज को वो जो 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 धर्म के रूप में थे, धर्म वाचा, वो कहते हैं कि आपने अभी जो शब्द कहे हैं वो पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था। कहते हैं कि आप क्या ये जो कर्तव्य है आप जो कर रहे हो, अभी हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय कार्य है, और एक जो पांडव वंश के जो व्यक्ति हैं उनसे यही आशा की जा सकती है, ऐसे ही होंगे। तो उसी तरह से सनातन धर्मी जो व्यक्ति है, हम सनातनी लोगों का जो हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है कि धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तीव्र अवस्था से करें, हर किसी लोगों को जागरूक करें। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये चैतन्य महाप्रभु का तो का मतलब हमको आदेश है। लेकिन फिर वो बताते हैं, जो बैल है होते हैं वहां पे धर्मराज, वो बताते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी यह दशा किसने की है। धर्म स्वयं बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिक से विभिन्न मतों से मोहग्रस्त हैं। बहुत सारे तरह के सैद्धांतिक नो प्रिंसिपल्स हैं, तो कोई इसमें कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से मुझे कष्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि आप ही इसका पता लगाइए कि किस तरह से कलयुग के प्रभावों का नाश हो सकता है, किस तरह से उनका समूल नाश हो सकता है। तो उसके बाद सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म के इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के इस तरह उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि राजा ने कहा, अरे तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराध के लिए अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है, तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते हो। तो परीक्षित महाराज इनको समझ गए कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये तो लीला कर रहे हैं, ये स्वयं धर्मराज है। फिर उन्होंने बोला कि शास्त्रों के हिसाब से कहते हैं कि कहाँ कहाँ धर्म रहता है, धर्म का चार पैर क्या क्या है, वो बताते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि सत तपह शौचम सदया सत्यम इति पादा कृते कृताः अधर्माशयस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तवः। सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण ही तुम्हारे तीन पांव टूटे हैं। तो रूट कॉज ये था, मूल कारण उसका ये था। मूल कारण में जाने के लिए धर्म ने उनको प्रेरित किया कि मूल कारण क्या है कि किस पैर पे धर्म खड़ा रहता है। धर्म खड़ा है तपस्या पे, धर्म खड़ा है शौचम पे, धर्म खड़ा है दया पे, और धर्म खड़ा है सत्य पे। इन चार चीजों, ये चार स्तंभ हैं धर्म के, जिन पे धर्म खड़ा है। परीक्षित महाराज स्वयं इस निष्कर्ष पे आते हैं और ये बात धर्मराज से बताते हैं, और फिर बोलते हैं कि कृते कृताः, मतलब सतयुग में क्या है कि ये
चार नियमों, चारों जो 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 चीजें थी वो अच्छे से उसको पालन होता था। इसी वजह से क्या है कि आप एकदम बलिष्ठ होकर चारों पैरों पे ठीक से खड़े थे। लेकिन समय धीरे धीरे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है, किस वजह से? अहंकार, अहंकार, काम वासना और नशे के रूप में व्याप्त सर्वत्र अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। अब केवल कलयुग में प्रभु जी माता जी सत्य ही बचा। इन चार पैरों में से तपा, शौचम, दया समाप्त हो गई है, पूरी तरह से टूट गए, और अब सत्य है वो बचा हुआ है। और सत्य को भी पूरा तोड़ने के लिए, वो पैर भी तोड़ने के लिए सब जगह झूठ का प्रचार होता जा रहा है। सत्य को अगर अगर डिफीट करना है तो झूठ को बढ़ावा दे दीजिए, सत्य डिफीट हो जाएगा, बेचारा उसकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दैट इज राइट। 1000 आदमी है, उसमें से 999 लोग अगर सब झूठ को ही सपोर्ट करेंगे तो क्या है, झूठ का बोलवाला होगा, असत का बोलवाला होगा, सत्य का तो फिर लगेगा कि उसका नाश हो रहा है। हालांकि सत्य कभी पराजित नहीं होता है ना, टाइम लगता है उसको, बट इट नेवर गेट्स डिफीटेड। फाइनली फाइनली सत्य की विजय होती है। अब तुम केवल एक पांव पे खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी ना किसी तरह से जी रहे हो। समहाउ धर्म इज सर्वाइविंग, जस्ट सर्वाइविंग। किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। सत्य का जो जिस पे एक पैर पे थोड़ा सा कंपकपाते हुए धर्म खड़ा है बड़ी मुश्किल से, उसको भी कली, कली है क्या, छल से फलने फूलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कली को ही दर्शाते हैं, वो भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि जो चार जो चीजें हैं, तपा, शौचम, दया, सत्यम, उसके बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे इनका इंडिविजुअली और कलेक्टिवली नाश होता है, एक व्यक्ति के तौर पे और फिर समाज के तौर पे कैसे इसका नाश हो जाता है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। मूल रूप में आप समझेंगे कि कृष्ण भक्ति से विरक्त हो गए लोग, भगवान की भक्ति से दूर हो गए, इसी वजह से सारे के सारे अवगुण समा गए हैं लोगों में। कहते हैं जैसे ही हम भगवान कृष्ण की शरण की तरफ आएंगे, उनकी भक्ति करनी शुरू करेंगे, तो समा सते सुराह, मतलब सारे देवताओं के दैविक गुण अपने आप ही उन व्यक्तियों में समाने लगते हैं, आने लगते हैं। तो जहां पे दैविक गुण आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आसुरिक गुण है वहां से चले जाएंगे। जब वहां किसी अंधकार में जब प्रकाश आने लगेगा, प्रकाश आ जाएगा, तो स्वतः ही अंधेरा वहां से भाग जाएगा। अंधेरे को भगाने के लिए अलग से कोई और प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमें प्रयास केवल इस चीज का करना है कि किसी तरह से धर्म की ज्योति, सत्य की ज्योति, प्रकाश वहां पे लाया जाए। जैसे ही प्रकाश आएगा ऑटोमेटिकली अधर्म भागेगा, अंधकार भागेगा। उसी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति ही मूल धर्म है, मूल धर्म। जीवेर दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, यही मेन धर्म है, यही सर्व धर्मों का सार सारांश यही है कि हमको जीवों के प्रति दया का भाव रखना है और भगवान कृष्ण का नित्य नाम लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमारी नर उतरई पारा। ये रामायण में, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। सब धर्मों का यही है, भगवान ने गीता में भी यही कहा है कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु माम एवैषसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽसि। मन मना भव, पहली बात जो धर्म की भगवान वहां कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, अपने मन में किसी फालतू की चीजों को छोड़ के मेरे बारे में सोचो। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको बड़ा सरल कर दिया है कि कैसे हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। भगवान के बारे में हम भगवान का नाम लेते हैं तब भगवान के बारे में अपने आप ही सोचने लगेंगे, भगवान हमारे मन में वास करने लगेंगे। नाम लेते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम के माध्यम से वन कैन अप्रोच
यू ओ माई लॉर्ड वन कैन अप्रोच यू बाय द मीडियम ऑफ होली नेम, आपके नाम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपको अप्रोच आप तक पहुंच सकता है, भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये कलह जो है, कली का कलह, ये चार चीजें जो है उसकी वजह से, उसको नष्ट हो जाने की वजह से हुआ है, तो उसको फिर से उसको रीस्टैब्लिश करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तपह, तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो। जो चीज सुख दे रही है आपको ना, बहुत सुख दे रही है, उसका त्याग करना है, उसको तपस्या कहते हैं। जैसे हमको सोना बहुत अच्छा लगता है, सवेरे सवेरे ना 3 बजे 4 बजे ओ सो नाइस, एसी चला के सोते रहना, तो इसका त्याग करना, इस समय उठ जाना, स्नान कर लेना और साफ सुथरे वस्त्र पहन के, शरीर पे तिलक लगा के, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ जाना, ये तपस्या अप्रोच, ये तपस्या। और हर जगह जहां तहां कुछ भी खाते रहने का, ये भी मतलब मन की इच्छा होती है, इधर जाए उधर खा लो, इधर खा लो, उस रेस्टोरेंट में चले जाओ, इधर पकाने वकाने कोई नहीं, तो उस चीज को रोकना स्वेच्छा से। यहाँ पे प्रभु जी स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुख करना। तो घर में भोग बनाना भगवान के लिए, वैरायटीज बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान के लिए बनाए, अपने लिए नहीं बनाए, और फिर भगवान को ऑफर करें इसको, फिर उसका जो प्रसाद है काइंडली भगवान बड़ी कृपा करके प्रसाद दे देते हैं, इसमें अपनी कृपा भर देते हैं, उसको आप ग्रहण कीजिए। जब आप प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन एकदम शांत रहेगा, इंद्रियां हमारी एकदम भगवान की सेवा में, और उसको मन लगेगा इंद्रियों को भी। और फिर उसके बाद कहते हैं कि शौचम, जो दूसरी चीज है शौचम, शौचम में साफ सफाई, हर चीज की साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए, शरीर के अंदर जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि, इसका भी हमें साफ सफाई रखना चाहिए। घर में रहते हैं जहाँ आसपास पूरे घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, शौचम बहुत जरूरी है। शौचम नहीं रखने से क्या है, धर्म का एक पैर टूटता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको दिन में दो बार या तीन बार स्नान करना चाहिए, उसके बाद संध्या वंदनम करना चाहिए, इससे क्या है शरीर का शौचम होता है। लेकिन मन का शौचन, कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का गुणगान किए बिना कभी भी मन का मैल साफ नहीं होगा। इसीलिए क्या करना, ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, क्योंकि इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, और यही कारण है कि ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं होते आते, भले ही वह भौतिक दृष्टि से पूर्णतया लैस हो। हमें वस्तुओं को उनके प्राप्तव्य कर्म से देखना है कि मन को साफ कैसे करना। तो मन की सफाई करने के लिए हमको क्या है, सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है, उससे हमारा मन साफ होगा, मन साफ होगा, इंद्रियां अपने आप साफ हो जाएगी। और फिर उसके बाद दया के बारे में है, दूसरे जीवों पे दया कैसे करते हैं। तो कहते हैं जैसा आप दया की भावना, अगर आप मांस भक्षण करते हैं खासकर, तो दया का भाव हमारे हृदय से खत्म हो जाता है, तो मांस भक्षण का पूरी तरह से त्याग करना है, तो दया का भाव उत्पन्न होगा और हम दयावान बनेंगे दूसरे जीवों के प्रति। तो इस प्रकार हम मतलब इन चीजों से बच सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें समझ जाते हैं, और फिर कलयुग को हराने के लिए फिर अपने राज्य में इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि ये जो है ना मिले कहीं भी कलयुग को स्थान। कलयुग को उन्होंने स्थान दिया था बेसिकली, क्या करता है, कली को जब मारने लगते हैं ये परीक्षित महाराज, तो कली सरेंडर कर देता है, परीक्षित महाराज को समर्पण कर देता है। तो क्षत्रिय का ये भाव है कि अगर कोई इसके समर्पण कर दिया है किसी ने,
तो फिर उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि मैं भी तो भगवान के द्वारा ही भेजा गया हूँ, मैं भी आपके राज्य का ही प्रजा हूँ, तो मुझे कोई रहने का स्थान दीजिए, कहाँ मैं रह सकता हूँ। तो फिर परीक्षित महाराज उनको कहाँ कहाँ स्थान देते हैं, द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मस चतुर्विध स्थानानि कलौ ददौ। तो इन चार स्थानों पर कली को रहने का अधिकार दे देते हैं। कहाँ पे, जहाँ द्यूतम जुआ खेलना खेला जाता है, पानम जहाँ शराब पिया जाता है, और वैश्यावृत्ति तथा जहाँ पशुबध होते हैं। तो इन सब चार स्थानों पे साक्षात कली का वास होता है। तो कली को अगर आपको डिफीट करना है तो इन चार स्थानों से अपने आप को वहां जाने से रोकना है, इन चार स्थानों से हमें विरक्ति होनी चाहिए, कोई लेना देना नहीं हमको। जहाँ पे शराब पिया जाता है, जुआ खेला जाता है, वाई वी शुड गो देयर, वाई वी शुड एसोसिएट विद देयर दोज थिंग्स, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है, जहाँ पशुबध होता है। अगर हम इन सब चीजों से बचे रहेंगे तो कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। और फिर उसके बाद परीक्षित महाराज ने क्या किया, अपने पूरे राज्य में ये सुनिश्चित किया कि कहीं भी जुआ खेलने की कोई जगह ना हो, कोई शराब पीने की कोई ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, किसी को वैश्यावृत्ति, पूरे राज्य से सब समाप्त कर लिया। तो प्रैक्टिकली इस तरह से परीक्षित महाराज ने कली को डिफीट किया, कली को हरा दिया, इस तरह से कली को हरा दिया। तो वही चीज हमको भी करना है। अलग फॉर्मूला कोई नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने जो नियम बताए हैं, उन नियमों का अगर हम पालन करेंगे और नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे, भागवतम का पठन पाठन करेंगे, तो कली के प्रभावों से बचे रहेंगे। दैवी हयेशा जो महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी आत्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रित, भगवान बोलते हैं कि जो जो महात्मा होते हैं, ऐसे लोग जो जो भगवान की भजन भक्ति करते हैं, उनको भगवान महात्मा बोलते हैं। कहते हैं कि कैसे होते हैं वो, दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। तो हमें भी अगर कलयुग के प्रभाव से बचना है तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, दैवी शक्ति है, उनके शरण में रहेंगे। अगर उनकी शरण में रहेंगे तो हम कली के प्रभावों से बच जाएंगे, उनके दोषों से बच जाएंगे। जिस तरह से वर्षा होती है ना प्रभु जी, तो अगर हमारे पास अच्छा घर हो, कोई आश्रय हो, तो अगर घर के अंदर रहते हैं तो बाहर बारिश होती रहे, पानी आता रहेगा, लेकिन हम भीगेंगे नहीं, हम बचे रहेंगे, हमें सर्दी नहीं लगेगी, नहीं पानी के प्रभाव से बच जाएंगे। उसके लिए क्या है, एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा आश्रय होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमको कली के प्रकोप से, प्रभाव से, कलह से बचना है, तो जो भगवान ने जो आश्रय हमें दिया है, किसका आश्रय, जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति का आश्रय अगर हम लेते हैं गुरु महाराज के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, तब हम कली के प्रयोग प्रकोप से बचे रहेंगे। सो इसी के साथ ही मैं कथा को अभी यहाँ विराम देता हूँ। अगर कोई प्रभु जी माता जी कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। गुरुदेव की जय। भाविक प्रभु हरे कृष्ण। Any devotees want to share something? Any questions? Hare Krishna, Prabhu ji. Hare Krishna, Dhanwad Pranam Prabhu. Dhanwad Pranam Prabhu ji. Yeah. Prabhu ji, मैं प्रहलाद बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए प्रहलाद जी। सर, प्रभु जी आप बोले हैं कि सत्य ही एक ऐसा नियम है जिसके थ्रू हम खड़े हैं। जी। आजकल यदि देखा जाए तो अपने बचपन से लेकर के एज घर से रहने से लेकर के अपने करियर तक, इंडस्ट्रियल एरिया तक, जी सब जगह मोस्टली झूठी झूठी है। सही सब लोग मतलब कि एक दूसरे से चीटिंग करते हैं, हर एक चीज यदि वो गलत करते हैं तो भी नहीं नहीं यार ये सही है। तो हम देखते हुए कि हर जगह गलत हो रहा है, जैसे इंडस्ट्री में 100% में 99% तो झूठी बोला जाता है। जी प्रभु। उसी का बोलबाला चलता है, उसी का सपोर्ट भी मिलता है। तो इस चीज को हम कैसे जानेंगे कि चलो वो तो हो रहा है, हमने देख रहा हूँ, बट उस चीज से हम कैसे फाइट करेंगे, कैसे सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपको, थैंक यू सो मच। देखिए प्रभु, झूठ का अगर बोलवाला है
झूठ का लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको 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 फेस करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए आपको सत्य पर अडिग रहना पड़ेगा। चाहे एक भी व्यक्ति सत्यवादी हो और बाकी नहीं भी हो, तो भी उस व्यक्ति से बाकी लोग निश्चित रूप से पराजित होंगे अगर वो ठीक से खड़ा रहेगा वहां पे। वो खुद उसका उसका सत्य के प्रति श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सत्य के साथ खड़े रहते हैं ना प्रभु जी, तो यहाँ लगता है, आउटवर्डली लगता है कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, बट आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण आपका सपोर्ट कर रहे हैं। मार सके वो है ना, जाको राखे साइया मार सके न को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जब कृष्ण भगवान का हमें सपोर्ट मिलने लगता है ना प्रभु जी, एक अतुलित बल मिलता है ना, एकदम से शक्ति मिलती है। आप सोचिए कि कहां प्रभुपाद जी इतने बूढ़े व्यक्ति थे उस समय, 60 वर्ष की आयु पार कर चुके थे, और इतना बड़ा जिम्मेदारी उनके कंधों पे था कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना था। तो बाहर से देखते हुए लगता था कहां से बूढ़ा व्यक्ति कहां कुछ कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रयत्न किया, सिंगल हैंडेडली प्रयत्न किया। पहले इंडिया में किया, दिल्ली में, आगरा में, सब जगह घूमे, झांसी में, आप उनकी जीवनी पढ़ी। आज उन्हीं के तपस्या का ये प्रताप है कि इतने लोगों का कल्याण हो रहा है। तो अगर वो भी अडिग नहीं रहते, वो टूट जाते कि ओह अब तो कलयुग है, इतने लोग कोई बात सुनते नहीं है, क्या करें, चलो छोड़ देते, नहीं, उन्होंने उसको पूरा तरह से उनको पालन किया। अमेरिका गए, देखा इंडिया में नहीं, तो उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था कि इफ एवर पॉसिबल, तुम्हारे पास कभी भी अगर धन का व्यवस्था हो जाता है, तुम अंग्रेजी में इन किताबों को संस्करण करो, लिखो। तो वो इस चीज को उन्होंने आदेश लेके अमेरिका से जाके शुरुआत की, और आज देखिए धर्म का प्रचार प्रसार की वजह से लाखों लाख लोग इस धार्मिक कार्य में जुड़ गए हैं, लोगों को मतलब सही गाइडेंस मिल रही है। तो इसलिए प्रभु जी सत्य का भी वैसा ही है। और मुख्य सत्य है क्या? सत्य हमारे पहले ही श्लोक में सत्य का की परिभाषा दी गई कि व्हाट इज द ट्रुथ। सत्य के बारे में कहा गया है कि सत्यम परम धीमहि, पहले श्लोक में कहा गया कि जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतश चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य क्या है? भगवान कृष्ण है। हमको भगवान कृष्ण का अनुमोदन करना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए, उनकी बताए हुए रास्ते पे हमेशा एकदम निष्ठा के साथ उस पे चलना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं इसलिए उनका ध्यान करता हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं मैं इसलिए उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। तो जब हम इस तरह से मतलब चलेंगे, तो सिंगल हैंडेडली एक व्यक्ति भी मतलब हजारों पे भारी पड़ेगा, है ना प्रभु जी। तो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, या धर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। इट इज ऑलवेज पावरफुल, है ना प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। स्टे। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी, और शैल वी क्लोज द क्लास? भाविक प्रभु, हरे कृष्णा, आर यू देयर? हरे कृष्णा प्रभु, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है भाविक प्रभु। I think Prabhuji is busy, maybe. So, मैं फिर से सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूँ, अपना कीमती समय दिया भागवत श्रवण के लिए। So, हरे कृष्णा, thank you so much. दंडवत प्रणाम। With this, we'll end the meeting. हरे कृष्णा।